बच्चों, अभी हम चतुर्भुज की समरूपता के संदर्भ में बातचीत कर रहे थे। समरूपता में आपने ये देखा कि यदि कोई बहुभुज या कोई चतुर्भुज या त्रिभुज ऐसा है जिसकी भुजाओं में एक निश्चित अनुपात है और उनके सभी संगत कोण आपस में बराबर हैं तो आकृतियां समरूप होती हैं। अब हमें देखना है क्या सर्वांग सम आकृतियाँ भी समरूपता के गुणों का पालन करती हैं। चलिए देखते हैं। हमारे सामने दो चतुर्भुज दिखाई पड़ रहे हैं, एक है ई एफ जी एच और दूसरा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये दो चतुर्भुज हैं जिनके बारे में हमें ये दिया गया है कि दोनों चतुर्भुज सर्वांग सम हैं, यानी आप लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ई एफ जी एच, ई एफ जी एच सर्वांग सम है चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड के, डब्ल्यू एक्स वाई जेड के ये सर्वांग सम है। तो दोनों चतुर्भुज सर्वांग सम है, तो इससे आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि इनके सभी अंग आपस में बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, यानी इसके चारों कोण क्रमशः इसके चारों कोण के बराबर हैं और इसकी चारों भुजाएं क्रमशः इनकी चारों भुजाओं के ठीक ठीक बराबर हैं। ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि कोण जेड कोण एच के ठीक ठीक बराबर है, कोण वाई कोण जी के बराबर है, कोण एक्स कोण एफ के बराबर है और कोण डब्ल्यू कोण ई के बराबर है, और भुजा डब्ल्यू एक्स भुजा ई एफ के बराबर है, भुजा एक्स वाई भुजा एफ जी के बराबर है, भुजा वाई जेड भुजा जी एच के बराबर है और भुजा जेड डब्ल्यू भुजा एच ई के बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको देखना है कि सर्वांग समता की जो शर्तें हैं वो समरूपता की शर्तों को पूरा करती हैं कि नहीं। तो जो जानकारी हमारे पास है वो हम लिख लें। हम यहाँ से भुजाओं से शुरू करें, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स बराबर चतुर्भुज की भुजा ई एफ और एक्स वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू एफ जी और वाई जेड बराबर जी एच और एक भुजा बच गई जेड डब्ल्यू बराबर एच ई, जेड डब्ल्यू बराबर एच ई। ये आप देख रहे हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा दूसरे चतुर्भुज की क्रमशः संगत भुजाओं के बराबर है। अब आप देखिए, यदि एक हिस्से को ध्यान से देखें और इसे अनुपात के रूप में लिखना चाहें तो आपको इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्स बटे ई एफ बराबर एक। इसका आपने पक्षांतर किया तो यहाँ पर एक बचेगा और ये अनुपात के रूप में मिलेगा डब्ल्यू एक्स बटे ई एफ बराबर एक। इसी तरह से यहाँ आपको मिलेगा एक्स वाई बटे एफ जी बराबर एक, यहाँ मिलेगा वाई जेड बटे जी एच बराबर एक और यहाँ आपको मिलेगा जेड डब्ल्यू बटे एच ई बराबर एक। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो एक के बराबर है, यानी आप देख रहे हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा और दूसरे वाले चतुर्भुज की प्रत्येक जो संगत भुजा है उनका अनुपात निश्चित है और समरूपता की भी एक यही शर्त थी। और दूसरी चीज़ कोणों के बारे में है, तो आपने पहले ही कह दिया है कि दोनों इसके जो प्रत्येक कोण है दूसरे चतुर्भुज के सभी संगत कोणों के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि दोनों चतुर्भुज जो सर्वांग सम है वो समरूपता की शर्तों को पूरा करती हैं और इसके आधार पर कह सकते हैं यदि दो चतुर्भुज सर्वांग सम हैं तो वो दोनों चतुर्भुज समरूप भी होंगे। सोचें एवं चर्चा करें, क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम भी होती हैं? कारण सहित समझाएं। बच्चों, हम अभी समरूपता के संबंध में बात कर रहे हैं। अब हमारे सामने नई परिस्थिति है, एक नया सवाल है, वो ये है कि यदि दो आकृतियां समरूप हैं तो इसका उनके परिमाप पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? जैसे यहाँ पर आपके सामने देखिए दो चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज पी क्यू आर एस। ये दोनों चतुर्भुज
समरूप हैं, यानी समरूपता की वजह से इनके भुजाओं में एक निश्चित अनुपात है या इनके संगत भुजाएं समानुपातिक हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो हमें देखना है कि यदि दो आकृतियां समरूप हैं तो इनके जो परिमाप हैं उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस में जो कि दोनों समरूप हैं तो इनकी भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो आप कह सकते हैं कि ए बी बटे इसकी संगत भुजा पी क्यू बराबर बी सी बटे इसकी संगत भुजा क्यू आर, बी सी बटे संगत भुजा क्यू आर बराबर होगी भुजा सी डी और इसकी संगत भुजा आर एस बराबर भुजा डी ए और इसकी संगत भुजा एस पी। ये हम कह रहे हैं कि इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हैं, इस आधार पर हम लिख रहे हैं ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, सी डी बटे आर एस और डी ए बटे एस पी। मान लीजिए ये सारे अनुपात बराबर हैं और इन अनुपातों को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको मिलेगा ए बी बराबर एम इंटू पी क्यू और बी सी बराबर मिलेगा एम इंटू क्यू आर, इसी तरह से आपको सी डी मिलेगा एम इंटू आर एस और डी ए बराबर मिलेगा आपको एम इंटू एस पी। तो देख लीजिए ए बी बराबर एम इंटू पी क्यू, बी सी बराबर एम इंटू क्यू आर, सी डी बराबर एम इंटू आर एस और डी ए बराबर एम इंटू एस पी, ये आपको मिला। अब आप जरा इनके परिमाप के बारे में सोचिए। हम पहले ए बी सी डी के परिमाप के बारे में लिखें तो हमको मिलेगा ए बी सी डी का परिमाप। आप जानते हैं परिमाप चारों भुजाओं का योगफल से प्रदर्शित होगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये हुआ ए बी सी डी का परिमाप। ए बी सी डी के परिमाप को आपने इस रूप में प्राप्त किया और उसका मान आपने इस रूप में लिख चुके हैं जो दूसरा समरूप चतुर्भुज है उसके पदों में। अब दूसरे चतुर्भुज पी क्यू आर एस का भी हम परिमाप लिखें, पी क्यू आर एस का परिमाप ये बराबर हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। और यदि आप इन दोनों के परिमाप का अनुपात लेना चाहेंगे तो आपको एक काम करना होगा, ए बी सी डी का परिमाप बटे पी क्यू आर एस का परिमाप बराबर परिमाप का जो मान आपने लिखा है उनके बीच भी आप अनुपात के लिए बटे का लाइन खींच दें, तो आपको मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए पूरे का बटा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। अब आप देखिए यहाँ जो आपको मान मिला है वो उसका मान पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी के पदों में आपने प्राप्त कर लिया है। यदि इन मानों को हम यहाँ पर लिखें तो हमको मिलेगा एम इंटू पी क्यू प्लस एम इंटू क्यू आर प्लस एम इंटू आर एस प्लस एम इंटू एस पी, ये आपको मिलेगा और बटे में आपको फिर ये पूरा का पूरा पद मिलेगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। यदि आप देख रहे हैं कि एम 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 सभी जगह पर उभयनिष्ठ है, यदि आप उनको कॉमन ले लें उभयनिष्ठ निकाल लें तो आपको मिलेगा एम इंटू कोष्टक में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, बटे में फिर से इस पद को आपको दोबारा लिखना होगा
PQ plus QR plus RS plus SP. अब देखिए कोष्टक के अंदर जो राशियां हैं वो अंश और हर में दोनों जगह मौजूद हैं और बराबर हैं, इसलिए आप इस पूरे के बदले में लिख सकते हैं M. तो आपने पाया कि दो समरूप चतुर्भुज यदि हैं तो उनका अनुपात ए बी सी डी का परिमाप बटे पी क्यू आर एस का परिमाप, ये जो अनुपात है वो एम के बराबर है जो इनका स्केल गुणक था. स्केल गुणक की परिभाषा आपने पहले पढ़ रखी है. तो आप देख रहे हैं कि जो अनुपात उनकी भुजाओं में है वही अनुपात उनके परिमाप में भी है. तो आपने देखा कि यदि दो आकृतियां समरूप हैं तो उनकी भुजाओं के बीच जो अनुपात होगा वही अनुपात उनके परिमाप के बीच भी होता है, ये आपने यहाँ से प्राप्त किया.